Welcome, you all, in our channel, Dr. Agriculturist. I am Devendra Chaudhary. In this video, we are going to learn about the leaf curl disease of chili, anthracnose, and fruit rot of chili and capsicum, wilt disease of chili and capsicum. The disease will be discussed on the following topics like causal organism, symptom, etiology, disease cycle. फेवरेबल कंडीशन एंड मैनेजमेंट दिस इज फॉर द कोर्स डिजेस ऑफ फील्ड एंड हॉर्टिकल्चरल क्रॉप एंड देयर मैनेजमेंट टू सो पहले देखते हैं इसके कॉजल ऑर्गेनिज्म के बारे में यह एक वायरस से होने वाली डिजीज है और वायरस का नाम है चिली लिफ कर्ल वायरस अगर हम इसे एग्जाम में लिख रहे हैं तो जो पहला लेटर है सी वो बड़ा होगा कैपिटल लेटर में होगा और बाकी के सभी के सभी स्मॉल लेटर में होंगे और इन्हें सेपरेट अंडरलाइन करना है अब देखते हैं इसके सिम्टम के बारे में यह इसका सिम्टम जैसे कि नाम से पता चल रहा है लीफ में कर्लिंग हो जाती है जो इसका पत्ता है वो मुड़ जाता है लिफ्स कर्ल टूवर्ड मिड रिव एंड बिकम डिफॉर्म्ड इंटेंस रिडक्शन इन लीफ साइज शॉर्ट इंटरनोड्स एंड डॉर्फिंग स्टंटेड प्लांट ग्रोथ ड्यू टू शॉर्ट एंड इंटरनोड एंड लिप्स ग्रेटली रिड्यूस्ड इन साइज फ्लावर बर्ड्स फॉल्स बिफोर अटेनिंग फुल साइज एंड एंथर्स डो नॉट कंटेन पॉलन ग्रेन्स फेलियर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स इफ द फ्रूट्स आर फॉर्म्ड देर रिमेन स्मॉल डीफॉर्म्ड एंड पुअर इन क्वालिटी जैसे कि एक प्लांट है ये उसका लीफ है यहां पर वायरस का इन्फेक्शन हुआ तो जिस पत्ती में वायरस का इंफेक्शन होता है वो पहले मुड़ जाता है इसकी पत्तियां ऐसे मुड़ी हुई हो जाती हैं और इसका जो सरफेस है वो खुरदुरा हो जाता है इसे कहते हैं पकरिंग ठीक है यह जो दिखाई दे रहा है यहां का सरफेस उभरा है फिर दबा हुआ है तो ये जो खुरदुरा सतह है इसी को कहते हैं पकरिंग उसके बाद ये जो वायरस है वो सिस्टमिक हो जाता है प्लांट के अंदर सिस्टम में मूव करता है और मूव करते करते ऐसे पार्ट्स में जाता है जहाँ पर न्यू पत्तियाँ या न्यू स्टेम बन रहा है अब इन्फेक्शन के बाद जो भी पत्तियाँ बनेंगी उसका साइज बहुत ही स्मॉल हो जाता है और इसका स्ट्रक्चर बिगड़ जाता है इसमें जो इंटरनोट का लेंथ है वो बहुत ही कम हो जाता है ठीक है और अगर ये इन्फेक्शन पहले हो गया है तो इसमें फ्लावर्स नहीं बनेंगे और अगर फ्लावर्स बन गए हैं तो वो झड़ जाते हैं फिर ऐसे पौधे बिल्कुल भी फल नहीं बनाते हैं लेकिन अगर इन्फेक्शन लेट में हुआ है तो क्या होगा फ्रूट्स तो बनेंगे लेकिन वो बहुत ही स्मॉल होंगे और ये सीधे नहीं होंगे कुछ मुड़े होंगे और इसकी मार्केट क्वालिटी पूरी तरह से कम हो जाती है तो इस प्रकार के पौधे जो है वो बौने रह जाते हैं इसी को कहते हैं स्टंटिंग सो ये था इसके पूरे सिम्टम के बारे में अब देखते हैं इटियोलॉजी इटियोलॉजी मतलब इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म कैसे दिखता है इसके बारे में तो ये चिली लिव कर्ल वायरस से होता है और इसे शॉर्ट फॉर्म में ऐसा लिखते हैं सी एच आई फिर कैपिटल में एल फिर सी फिर भी चिली लीव कर्ल वायरस ये इसका एब्रिविएशन है इसका जीनोम, ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है कैसा डीएनए होता है सर्कुलर सिंगल स्टैंडर्ड रहेगा ऐसे सर्कुलर रहता है और इसका प्रोटीन कोट जेमिनेट होता है मतलब दो पार्टिकल आपस में जुड़े हुए होते हैं और ये बिलोंग करता है जीनस बिगोमो वायरस को और फैमिली जेमिनी को दिस वायरस इज ट्रांसमिटेड बाई वाइट फ्लाई बेमेसिया टेबेसी तो ये व्हाइट फ्लाई से एक पौधे से दूसरे पौधे में फैलता है और वाइट फ्लाई का नाम है बेमेसिया टेबेसी ये है वाइट फ्लाई जो कि वायरस को एक पौधे से दूसरे पौधे में फैलाते हैं और अभी ये प्लानिंग कर रहे हैं वायरस को फैलाने की और यह है वायरस का प्रोटीन कोट ऐसा लग रहा है कि दो वायरस आपस में जुड़े हुए हैं लेकिन ये एक ही वायरस है और इसे ही जेमिनेट पार्टिकल कहते हैं और इसके अंदर में डीएनए इस तरह से प्रेजेंट होता है इसमें सिंगल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है और इसका डीएनए दो भाग में बटा होता है एक को कहते हैं डीएनए ए और दूसरे को कहते हैं डीएनए बी अब देखते हैं इसके डिजीज साइकिल के बारे में वायरस का डिजीज साइकिल एकदम सिंपल होता है इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है जैसे कि जो वायरस है वो इंसेक्ट में या फिर इन्फेक्टेड वीड होस्ट में सर्वाइव करते रहता है अगले सीजन में जब चिली का प्लांट लगाया जाएगा तो ये जो वायरुली फेरस वाइट फ्लाई है वो इसमें फीड करेंगे और वायरस को इस प्लांट में ट्रांसमिट कर देंगे दूसरा केस ये भी हो सकता है कि ये जो इन्फेक्टेड वीड होस्ट हैं इसमें पहले वाइट फ्लाई फीड करेगा वाइट फ्लाई इस प्लांट से वायरस गेन कर लेगा और फिर दूसरे प्लांट को फीड करेगा और वायरस को ट्रांसमिट करेगा फिर क्या होगा ये जो वायरस है अंदर चले जाएगा मल्टीप्लाई होगा प्लांट के सिस्टम में पूरा मूव करेगा हमें सिम्टम दिखाई देता है लीफ कर्लिंग डॉर्फिंग ये सब फिर क्या होगा ये जो प्लांट है इसके अंदर में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन में वायरस प्रेजेंट है अब इसमें वाइट फ्लाई फीड करेंगे ऐसे वाइट फ्लाई जिसमें वायरस प्रेजेंट नहीं है उसे कहते हैं नॉन वायरुलिफेरस ये वायरुलिफेरस बन जाते हैं क्योंकि प्लांट के रस के साथ वायरस इंसेक्ट की बॉडी में चले जाते हैं फिर ये बन जाते हैं वायरुलिफेरस इंसेक्ट फिर ये दूसरे प्लांट को फीड करते हैं इस प्रकार से ये जो वायरस है पूरे खेत में फैल जाता है और इसी को कहते हैं सेकेंडरी इन्फेक्शन साइकिल बाद में जब होस्ट हमारे फील्ड से ख़त्म हो जाएगा मतलब चिली का प्लांट खत्म हो जाएगा तो इस कंडीशन में जो वायरस है वो वायरोलीफेरस इंसेक्ट में या फिर वीड होस्ट में सर्वाइव करते रहता है अब देखते हैं इसके फेवरेबल कंडीशन के बारे में प्रेजेंस ऑफ वायरस प्लस वेक्टर मतलब कि वाइट फ्लाई अगर ये दोनों प्रेजेंट हैं तो डिजीज आएगी ही आएगी डेंस प्लांटिंग अगर हम लोग रिकमेंडेड स्पेसिंग से कम स्पेसिंग में लगाते हैं तो ज़्यादा मात्रा में डिजीज आती है हाई डोज ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर जब हम ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं तो प्लांट में ग्रोथ तो ज्यादा होता है लेकिन उसकी जो डिजीज रेजिस्टेंस पावर है वो कम हो जाती है ससेप्टिबल टू इंसेक्ट हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी और क्लाउडी डेज हाई आर एज और क्लाउडी डेज में जो इंसेक्ट का पॉपुलेशन है वो ज्यादा मात्रा में बढ़ता है इसीलिए डिजीज ज्यादा आती है अब देखते हैं इसके मैनेजमेंट के बारे में फॉर एनी डिजीज वी शुड ऑलवेज एडॉप्ट इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट प्रैक्टिस इसमें अलग अलग स्टेप्स हैं जैसे कि द इन्फेक्टेड प्लांट्स शुड बी अपरूटेड एंड बर्न आर बरीड टू अवॉइड फर्दर इन्फेक्शन अगर हमें फील्ड में कोई भी इन्फेक्टेड प्लांट दिखाई देता है तो उसे उखाड़ कर फील्ड के बाहर जला देना चाहिए या फिर ज़मीन में दबा देना चाहिए अवॉइड मोनोकल्चर ऑफ चिली क्रॉप हमें हर साल चिली का क्रॉप नहीं लेना चाहिए हमें हमेशा क्रॉप को बदलते रहना चाहिए सेलेक्शन ऑफ हेल्दी एंड डिजीज फ्री सीड्स हमें हमेशा बीमारी रहित बीजों का चयन करना चाहिए सुइटेबल इंसेक्टीसाइड स्प्रे नर्सरी बेड शुड बी कवर्ड विथ नायलोन नेट आर मॉस्किटो नेट आर एक्स्ट्रा टू प्रोटेक्ट दिडलिंग फ्रॉम वायरल इन्फेक्शन अगर ये सिडलिंग है नर्सरी हमारा उसे हमेशा मॉस्किटो नेट से ढक देना चाहिए जिससे कि इसके अंदर वाइट फ्लाई इंटर ना कर सके और जो हमारा सिडलिंग है वो हमेशा हेल्दी रहे और इसके जमीन में एक्स्ट्रा को जो पैरा होता है उसे बिछा देना चाहिए रेज टू टू थ्री रोज ऑफ मेज और सोरगम एज बॉर्डर क्रॉप टू रिस्टिक द स्प्रेड ऑफ एफिड वैक्टर जैसे कि ये चिली का फील्ड है तो इसके चारों तरफ मेज या फिर सोरगम के जो लंबी वैरायटी हैं उसको लगाना चाहिए इससे क्या होता है ये वाइट फ्लाई को एक फील्ड से दूसरी फील्ड में या फिर एक क्यारी से दूसरी क्यारी में मूव होने से रोकते हैं अप्लाई इमिडाक्लोप्रिड तो इंसेक्ट वेक्टर को कंट्रोल करने के लिए हमें इंसेक्टिसाइड स्प्रे करना चाहिए और उसका नाम है इमिडा क्लोप्रीड कलेक्ट एंड डिस्ट्रॉय इन्फेक्टेड वायरस प्लांट एज सुन एज दे आर नोटिस्ड हमें जब भी इन्फेक्टेड प्लांट दिखेगा तो उसे फील्ड से हटा देना चाहिए तो इतना था चिली लिफ कल के बारे में एंथरेक्नोज एंड फ्रूट रॉट ऑफ चिली एंड कैप्सिकम एथरेक्नोज एंड फ्रूट रॉट डिजीज इज कॉज्ड बाई कोलेटोट्राइकम एप्सी सिम्टम इसके जो सिम्टम होते हैं वो तीन स्टेज में आते हैं फर्स्ट है एंथरेगनोज स्टेज जो कि मोस्टली लीफ में आता है डाईबैक ये ग्रोइंग टिप में आते हैं फ्रूट रॉड ये फ्रूट्स में आते हैं एंथ्रेक्नोज़ सो so, ये मोस्टली दिसंबर और अक्टूबर के महीने में आते हैं स्मॉल सर्कुलर टू इरेगुलर ब्राउनिज ब्लैक स्केटर्ड स्पॉट्स अपीयर्स ऑन द लिप्स सिवियरली इन्फेक्टेड लिप्स डिफोलिएट। सो इसके जो सिम्टम हैं वो लिफ में आते हैं और सर्कुलर या फिर इरेगुलर ब्राउन कलर के स्पॉट्स लिप्स में बहुत सारे बनते हैं और इन्फेक्टेड लिफ समय से पहले गिर जाता है डाइबैक सिम्टम द इंटायर ब्रांच आर द इंटायर टॉप ऑफ द प्लांट्स मे डाई टॉप और फ्यू साइड इन सिवियर अटैक दर प्लाट्स इज डाई पार्सली अफेक्टेड प्लांट बियर फ्रूट विच आर फ्यू एंड लो क्वालिटी सो ये डाइबे क्या होता है जैसे कि यह ग्रोइंग टिप है यहां पर से इंफेक्शन स्टार्ट होता है और ये नीचे के साइड ग्रो करता है फिर ये मर गया ये मरते मरते पूरा प्लांट भी मर सकता है और ऐसे भी हो सकता है कि प्लांट का केवल एक ही साइड डिजीज से अफेक्टेड हो और जहाँ पर सिम्टम आते हैं उसमें ब्लैक कलर के बहुत सारे डॉट्स के रूप में एसरवुल्स बनते हैं यह इसरवुल्स क्या होते हैं फंगस के एसेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी होते हैं जहाँ पर नीडिया बनते हैं बहुत सारे और ऐसे इन्फेक्टेड प्लांट में अगर फ्रूट्स बन भी जाता है तो वो बहुत ही कम बनते हैं और पुअर क्वालिटी के बनते हैं राइफ फ्रूट रॉट स्मॉल ब्लैक सर्कुलर स्पॉट्स आर अपीय ऑन द स्किन ऑफ द फ्रूट एंड स्प्रेड अलोंग द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द फ्रूट्स बिकमिंग मोर लेस इलिप्टिकल द स्पॉट्स आर यूजली सनकन विथ ब्लैक मार्जिन बैडली डिजीज फ्रूट टर्न द एस्ट्रा कलर फ्राम नॉर्मल कलर सनकन स्पॉट्स आर कवर्ड विफ फंगल स्पॉट्स द फ्रूट्स विद मैनी स्पॉट्स ड्रॉप अप प्री मैच्योरली रिजल्टिंग हैवी लॉस इन ईल सीड्स आर ऑल्सो इन्फेक्टेड बाई द फंगस सो इसमें क्या होता है फ्रूट्स में स्मॉल स्पॉट्स बनते हैं और ये फ्रूट्स की लंबाई में ऐसे बढ़ते हैं जिसके कारण से जो इनका सेप है वो इलिप्टिकल हो जाता है मतलब लंबाई में ज़्यादा और चौड़ाई में कम ये जो स्पॉट्स वाला पोर्शन होता है वो धंसा हुआ रहता है और इसके किनारे के जो मार्जिन है वो ब्लैक कलर की होती है धीरे से स्पॉट्स का जो सेंटर का कलर है वो स्ट्रा कलर का हो जाता है और इसमें ब्लैक कलर के एसरबुलस बनते हैं जिसमें फंगस के स्पोर्ट्स बनते हैं अगर इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा मात्रा में आता है तो ऐसे फ्रूट्स मेच्योरिटी से पहले गिर जाते हैं और नुकसान बहुत ज़्यादा होता है तो ये जो सिम्टम हैं वो मिर्च में भी आते हैं और कैप्सिकम में भी आते हैं सो so, इसके तीन सिम्टम हो गए लीफ में आएगा तो एंथ्रेक्नोज अगर ग्रोइंग टिप में आता है तो डाइबेक और फ्रूट्स में आता है तो राइफ फ्रूट रॉट कहते हैं ईटियोलॉजी ऑफ कोलिडोट्राइकम कोलिडोट्राइकम बिलोंग टू सब डिविजन ड्यूटेरोमाइकोटिना और इसके माइसीलियम सेप्टेड ब्रांच और डार्क होते हैं डार्क मतलब कि ब्लैक कलर के होते हैं इनके सेल वॉल में एक केमिकल होता है मिलेनिन जिसके कारण से ये डार्क होते हैं द माइसीलियम ऑफ द फंगस इज लोकेलाइज्ड इन द स्पॉट्स जहाँ पर स्पॉट्स आते हैं वहीं पर ही इसके माइसिलियम प्रेजेंट होते हैं ये सिस्टमिक नहीं होते हैं एसेक्सुअल स्पोर बनता है, जो कि हाईलाइन सिंगल सेल्ड और शेप का होता है एसेक्सुअल बनता है, इसके एसरवुलस में सिटी प्रेजेंट होता है और मोस्टली ये प्लांट के इपिड में बनते हैं सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी पेरिथीसिया बनता है जो कि पियर सेप का होता है और लिप सी में बनता है आल्सो प्रोड्यूस क्लेमाडोसपोर सो ये क्लेमा सरवाइवल के लिए होते हैं और अगर हम फंगस को आर्टिफिशियली ग्रो करते हैं पीडीए मीडिया में तो ये ब्लैक कलर का दिखाई देता है ये है एसरवुलस और इसमें बहुत सारे कोनिडियोफोर होते हैं और ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ब्लैक कलर का ये है सिटी और यहां पर बहुत सारे स्पोर्स बनते हैं ये जो स्पोर्स होते हैं वो फाल्केट सेप के होते हैं डिजीज साइकिल द डिजीज इज सीड बॉर्न मतलब कि यह पैथोजन सीड के द्वारा एक फील्ड से दूसरी फील्ड में या एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट होते हैं सेकंड्री स्प्रेड इज बाय एयरबोन कोनेडिया एंड रेन इंसेक्ट्स एंड फ्लाइस आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्मिनेशन ऑफ स्पोर फ्रॉम वन फ्रूट टू एनदर इसका भी डिजीज साइकिल बहुत ही सिंपल है जो पैथोजन है वो सीड्स में और सॉइल्स में प्लांट डेब्रिस में सर्वाइव करते रहता है अगले सीजन में जब प्लांट लगाया जाएगा तो ये इसके लीफ में ट्विग में या फिर फ्रूट्स में इन्फेक्शन करता है वहाँ पर ये जो स्पोर है वो जर्मिनेट होकर मल्टीप्लाई होता है ऐसरवुल्स बनाता है और फिर एसरवुल्स में बहुत सारे कोनीडिया बनते हैं ये कोनीडिया एयर के द्वारा या रेन के द्वारा दूसरे प्लांट्स में जाते हैं वहाँ पर इन्फेक्शन करते हैं और बाद में ये क्लेमांडो भी बनाते हैं जो कि सॉइल में या फिर प्लांट डेब्रिस में सर्वाइव करते रहता है और ये जो स्पोर्स हैं वो सीड्स में भी सर्वाइव करते रहते हैं फेवरेबल कंडीशन टेम्परेचर 28 टू 32 डिग्री सेंटीग्रेड रिलेटिव ह्यूमिडिटी मोर देन 95 परसेंट और हाई ह्यूमिड कंडीशन व्हेन रेन्स अकर आफ्टर द फ्रूट्स हैव स्टार्टेड टू राइप ससेप्टिबल वेराइटी तो अगर ये सब कंडीशन आते हैं तो डिजीज ज़्यादा मात्रा में आती है मैनेजमेंट ऑफ द डिजीज फॉर एनी डिजीज़ वी शुड ऑलवेज अडॉप्ट इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट प्रैक्टिस जैसे कि समर डीप प्लोइंग अगर हम फील्ड में समर के महीने में डीप प्लोइंग करते हैं तो वहाँ पर जो पैथोजन प्रेजेंट है वो सन के कॉन्टेक्ट में आते हैं और मर जाते हैं एप्लीकेशन आप ऑर्गेनिक मेन्योर अगर हम फील्ड में ज़्यादा मात्रा में ऑर्गेनिक मेन्योर प्रोवाइड करते हैं तो उसमें सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया और फंगस ज़्यादा मात्रा में ग्रो करते हैं और पैथोजन का पॉपुलेशन कम होता है एप्लीकेशन ऑफ ट्राइकोडर्मा एंड सुडोमोनास फ्लोरोसेंस फील्ड में हमें ट्राइकोडर्मा और सुडोमोनास देना चाहिए क्रॉप रोटेशन विथ नॉन होस्ट हमें एक ही फील्ड में बार बार चिली क्रॉप नहीं लेना चाहिए यूज ऑफ डिजीज फ्री सीड हमें हमेशा सर्टिफाइड डिजीज फ्री सीड ही लेने चाहिए सीड ट्रीटमेंट विथ कैप्टॉन और थाइरम, थ्री टू फोर ग्राम पर के जी ऑफ सीड नर्सरी तैयार करने से पहले हमें सीड्स को हमेशा केमिकल से ट्रीट कर लेना चाहिए अवॉइड इंटरक्रॉपिंग विथ ससेप्टिबल टर्मेरिक कल्टीवर सो चिली को टर्मेरिक के साथ ग्रो नहीं करना चाहिए कलेक्ट एंड डिस्ट्रॉय ऑल द इन्फेक्टेड प्लांट पार्ट हमें जो इन्फेक्टेड प्लांट पार्ट्स होते हैं उन्हें कलेक्ट करके फील्ड से बाहर दबा देना चाहिए या जला देना चाहिए रिमूवल एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ सोलेनेसियस व्हीड एंड इन्फेक्टेड प्लान डेबरिस सो कोई भी फील्ड के आसपास जो वीड होते हैं उन्हें रिमूव कर देना चाहिए स्प्रे थ्री टाइम विथ कैप्टान आर मैनकोजेव जीरो पॉइंट टू परसेंट एट फिफ्टीन डेज इंटरवल तो केमिकल का के स्प्रे करना चाहिए पंद्रह दिन के अंतराल में ग्रो रजिस्टेंट वेराइटीज़ लाइक जी थ्री जी फोर बी सिक्सटी वन एंड लोराई हमें हमेशा रजिस्टेंट वेराइटी ही ग्रो करना चाहिए Wilt disease of chili and capsicum. Chili wilt is caused by Fusarium oxysporum pharma specialis capsici. This is a fungus which belongs to subdivision Deuteromycotina. Symptom Initially, slight yellowing of the foliage and wilting of the upper lips occurs. That progress in a few days into permanent wilting.

और ये इसका रूट सिस्टम है तो क्या होता है जो पैथोजन है वो रूट्स में मल्टीप्लाई होता है इसके जाइलम और फ्लोएम में मल्टीप्लाई होता है जिसके कारण से ये जाइलम और फ्लोएम को ब्लॉक कर देता है और जो वाटर है वो रूट से स्टेम तक नहीं पहुंच पाता इसके कारण से इसकी पत्तियाँ झुक जाती हैं मुरझा जाती हैं जिसे जिसे इंग्लिश में इपिनेस्टी कहते हैं पौधे की पत्तियों का नीचे झुक जाना और इसे हिंदी में मुरझाना कहते हैं फिर कुछ दिनों के बाद इसकी जो पत्तियाँ हैं स्पेशली जो कि निचली साइड हैं, वो पीली पड़ जाती हैं और फिर कुछ दिनों के बाद ये गिर जाती हैं और फिर पौधे की पूरी पत्तियाँ जो है वो पीली पड़ जाती हैं अगर हम इसके लोअर स्टेम या रूट के भाग को ऑब्जर्व करेंगे और इसे काट कर देखेंगे तो हमें दिखाई देता है कि इसकी जो जाइलम और फ्लोयम है वस्कुलर टिश्यू हैं फंगस के ग्रोथ के कारण ब्राउन हो जाती है और जैसे कि ये फील्ड है इसमें बहुत सारे प्लांट लगे हुए हैं तो ये जो विल्टेड प्लांट होते हैं वो पैचेस में प्रेजेंट होते हैं जगह जगह पर प्रेजेंट होते हैं और ऐसा बहुत कम होता है कि पूरा फील्ड बीमारी के कारण मर जाए क्योंकि ये जो पैथोजन है वो सॉइल में रहता है और हर साल धीरे धीरे बढ़ता है जैसे इस साल अगर इतने एरिया में आया है तो अगले साल ये अपना एरिया बढ़ाएगा तो ये जो विल्टिंग है वो बहुत ही ईजी है पहले पौधे की पत्तियाँ नीचे झुक जाती हैं मुरझा जाती हैं फिर पीली पड़ जाती हैं और फिर पूरा प्लांट पीला पड़ जाता है और इसके स्टेम इस में ब्राउनिंग हो जाती है आगे बढ़ते हैं यह है इसका सिम्टम ये पौधे की पत्तियाँ मुरझा जाती हैं और इसके वस्कुलर टिश्यू में ब्राउनिंग है यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो वस्कुलर सिस्टम है वो ब्राउन हो गया है बाद में इसके पूरे पत्ते पीले पड़ जाते हैं और झड़ जाते हैं अब देखते हैं फ्यूजेरियम का इटियोलॉजी सो इसके जो माइसिलियम होते हैं वो सेप्टेट होते हैं ब्रांच्ड होते हैं और लाइट पिंक कलर के होते हैं और ये सब डिविज़न ड्यूटेराइकोटीना को बिलोंग करता है इसमें दो प्रकार के कोनीडिया बनते हैं मैक्रोकोनीडिया और माइक्रोकोनीडिया मैक्रोकोनीडिया बोट सेप के होते हैं हाई लाइन होते हैं मतलब रंगहीन होते हैं और लंबे होते हैं और सेप्टेट होते हैं और इसका जो टिप है वो ऐसे पॉइंटेड रहता है माइक्रोकोनीडिया स्मॉल होते हैं मुड़े हुए होते हैं और सिंगल सेल्ड होते हैं और इसमें एसेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी स्पोरोडोकियम बनते हैं और स्पोरोडोकियम में जो कोनिडियोफोर प्रेजेंट होते हैं वो सिंपल और छोटे होते हैं इसमें क्लेमाडोस्पोर्स भी बनता है ये क्लेमाडोस्पोर्स सर्वाइविंग स्ट्रक्चर है मतलब कि अगर अनफेवरेबल कंडीशन आता है तापमान ज़्यादा हो जाता है या फिर बहुत कम हो जाता है जिसके बाद इसके जो मैक्रोकोनिडिया हैं वो क्लेमाडोस्पोर्स बनाते हैं जो कि स्फेरिकल होता है और थिक ड होता है के जो वॉल होते हैं वो मोटे होते हैं जो इसे सर्वाइवल में हेल्प करते हैं यह है इसका माइक्रोकोनीडिया स्मॉल इस है कर्व है और यह है माइक्रोकोनीडिया जो कि सेप्टेड है और इसका जो टिप है वो पॉइंटेड है फिर इसी माइक्रोकोनिडिया के कुछ सेल में थिकनिंग हो जाती है इसके सेल वॉल मोटे हो जाते हैं और ये क्या कहलाता है रेमाडोस्पोर और ये है इसका स्पोरोडोकियम इस और इसमें बहुत सारे कोनीडियोफोर हैं और इसमें यह बहुत सारे कोनिडिया बनते हैं अब देखते हैं इसके डिजीज साइकिल के बारे में जो पैथोजन है वो सॉइल में और क्रॉप डेब्रिस में एज अ माइसिलियम और क्लेमाडोस्पोर सर्वाइव करते रहता है और इसमें प्राइमरी इन्फेक्शन हाइफी या फिर क्लेमाडोस्पोर के द्वारा होता है और सेकेंडरी स्प्रेड कोनीडिया और क्लेमाडोस्पोर के द्वारा होता है और ये वाटर या फिर फॉर्म इक्विपमेंट के साथ एक जगह से दूसरे जगह मूव करते हैं तो इसका भी जो डिजीज साइकिल है वो बहुत ही इजी है पैथोजन यहाँ सर्वाइव कर रहा है सॉइल में फिर अगले साल जब क्रॉप लगाया जाएगा तो उसके रूट्स में इन्फेक्शन करता है वहाँ पर जाइलम और फ्लोया में मल्टीप्लाई होते हैं और वाटर के ट्रांसलोकेशन को कम करते हैं जिसके कारण से हमें सिम्टम दिखाई देता है फिर जाइलम और फ्लोएम में ये फंगस मल्टीप्लाई होते हैं बहुत सारे कोनिडिया बनाते हैं अब ये कोनीडिया वाटर के द्वारा या फिर इंटरकल्चरल ऑपरेशन के समय एक जगह से दूसरे जगह पर मूव होते हैं और फिर नए नए प्लांट्स को इन्फेक्शन करते हैं इसी को कहते हैं सेकेंडरी इन्फेक्शन साइकिल बाद में ये पैथोजन क्लेमडोसपोर्स बनाते हैं और सॉइल में सर्वाइव करते रहते हैं फेवरेबल कंडीशन ऐसा कंडीशन जिसमें डिजीज़ बहुत ज़्यादा मात्रा में आती है तो कौन कौन से हैं हाई सॉइल मॉइस्चर हाई सॉइल टेम्परेचर इसके लिए 25 फाइव टू थर्टी डिग्री सेंटीग्रेड तापमान चाहिए हाई रेनफॉल एक्सेसिव एंड फ्रिक्वेंट इरीगेशन पोअरली ड्रेंड सॉइल एंड क्लोज स्पेसिंग मैनेजमेंट फॉर मैनेजमेंट ऑफ एनी डिजीज वी शुड ऑलवेज एडॉप्ट इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट प्रैक्टिस जैसे कि फील्ड सैनिटेशन साफ सफाई जो भी वीड्स हैं पिछले साल के क्रॉप के जो अवशेष हैं उन सबको रिमूव कर देना चाहिए रिमूव इन्फेक्टेड प्लांट डेवरीज जब भी हमें कोई इन्फेक्टेड प्लांट दिखेगा तो उसे हटा देना चाहिए अप्लाई नीम केक और मस्टर्ड केक टू इनिबिट द ग्रोथ ऑफ पैथोजन हमें नीम केक और मस्टर्ड केक को फील्ड्स में डालने चाहिए अगर हमें फील्ड में कोई डिजीज प्लांट दिखाई दे रहा है तो वन परसेंट बोडो मिक्सचर या फिर जीरो पॉइंट टू परसेंट का जो सॉल्यूशन है उसे इन्फेक्टेड प्लांट के चारों ओर देना चाहिए सीड ट्रीटमेंट विथ फोर ग्राम ट्राइकोडर्मा और टू ग्राम कार्बेंडाजिम। तो हमें सीड को हमेशा ट्रीट करके ही खेत में लगाने चाहिए अप्लाई ट्राइकोडर्मा मिक्स्ड विथ ऑर्गेनिक मन्योर हमें ट्राइकोडर्मा को ऑर्गेनिक मेन्योर के साथ मिलाना चाहिए और इसको ऐसे ही एक दो महीने तक रख देना चाहिए फिर एक दो महीने के बाद इसे फील्ड में अप्लाई करना चाहिए ग्रो रजिस्टेंट वेराइटीज लाइक डी सी ए थ्री डी सी ए सेवन क्रॉप रोटेशन विथ नॉन होस्ट हमें मोनोकल्चर नहीं करना चाहिए मतलब हर साल एक ही फील्ड में एक ही टाइप का क्रॉप नहीं लेना चाहिए फ्लडिंग ऑफ फील्ड ये फील्ड होगा फॉर टेन डेज इफ पॉसिबल जैसे इस फील्ड में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन आया है तो यहाँ पर पानी को भर के रखना चाहिए कम से कम दस दिन तक अप्लाई ऑर्गेनिक मेन्योर तो जितना ज़्यादा पॉसिबल है उतना ही ज़्यादा हमें ऑर्गेनिक मेन्योर खेत में डालने चाहिए इससे क्या होता है ऑर्गेनिक मेन्योर ज़्यादा डालने से इसमें अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया और फंगस मल्टीप्लाई होते हैं जो कि जो पैथोजन है वहाँ पर सर्वाइव कर रहे हैं उसे किल करता है सो so फ्रेंड्स इतना था